बिफोर आई सी एनीथिंग अबॉट हनुमान चालीसा फर्स्ट ऑफ ऑल आई आई वोट मार्क दिस डे इज द मोस्ट स्पेशल डे ऑफ माई लाइफ एंड आई हैव अट ऑफ पीपल वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड वन ऑफ दैम इज सिटिंग राइट हियर हु हैव लव्ड एडमायड रिस्पेक्टेड थ्रू आउट माई एंटर लाइफ सर मिस्टर अमिताभ बच्चन मेरी दादी जी की ख्वाहिश थी कि मैं एक हनुमान चालीसा का एक वर्जन बनाऊँ बहुत साल पहले उन्होंने कहा था कि इतने सारे गाने बना रहे हो फिल्म के लिए गा रहे हो तो एक बना दो हनुमान चालीसा पे और उनसे ही सीखा है हनुमान चालीसा और आज भी मैं उसको रिसाइट करता हूँ प्रेयर करता हूँ और ज़्यादा सोचा नहीं ये मेरी मेरी चौथी सिंगल है उसके पहले मैंने तीन सिंगल्स ऑलरेडी कर दिए दो मराठी में किए थे एक तेलुगु में किया और चौथी मुझे उनकी याद आई शी पास्ट अवे अबाउट टू इयर्स बैक और स्टूडियो में ऐसे ही बैठे बैठे सोचा कि एक अपना वर्जन बनाता हूँ एक मेडिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द हनुमान चालीसा शेखर और विशाल इनका अपना एक स्टूडियो है और कई दिन कई रातें कई सुबह हमने इन दोनों के साथ बिताई हैं इनके स्टूडियो में किसी ख़ास वजह से नहीं केवल इस वजह से कि हम दोनों को और हम सबको संगीत का शौक़ है और रात बिरात रात हम लोग कभी जा कर के बैठते हैं गप्पे मारते हैं कभी कोई धुन निकल आती है कोई गाना गा देता है फिर उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं किसी ख़ास वजह से नहीं लेकिन एक बात हमने देखी कि जब भी कोई अच्छी धुन निकलती है तो उसका जो एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन हो या उसका कोई मीटर हो कि हाँ ये अच्छी चीज़ है वो इससे होती है कि जब आपके रोटे खड़े हो जाएं, तो ये धुन अच्छी बनी है आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हनुमान चालीसा सुनते हुए हमारे रोटे खड़े हो गए वॉज पार्ट ऑफ द टीम जब आए थे मेरे पास कि जी म्यूज़िक कंपनी को वापस से रिवाइव किया जाए तो मैं मानता हूं कि जी म्यूज़िक कंपनी को रिवाइव करने में भी शेखर का बहुत बड़ा हाथ है जब इन्होंने मेरी टीम को अप्रोच किया कि ये हनुमान चालीसा इन्होंने बनाई है तो आ, हमें एक तो पहली बात यकीन नहीं हुआ कि शेखर ने ऐसा कुछ काम किया है आ, पर जब हमने सोचा इसके बारे में हमें लगा कि नहीं ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने और हम प्रिवलेज हैं कि हमारे माध्यम से ये पूरे विश्व भर में जाएगा तो मुझे एक बहुत बहुत प्रिवलेज फील हो रहा है आज यहाँ होने का और इस प्रोजेक्ट uh, में इनके साथ होने का और मैं यही चाहूँगा कि आगे भी ये ऐसे और प्रोजेक्ट करें धार्मिक uh, या अदरवाइज ऑल्सो जिसमें कि हम इनके साथ ही रहें ऑल द बेस्ट शेखर बचपन से ही माँ बाबू के साथ बैठ करके रामायण पाठ हनुमान चालीसा गीता इन सब के साथ हमारे दिन गुजरे हुए हैं वो आज भी हमारे साथ हैं ये ज़्यादा सक्षम है नहीं, नहीं सर नहीं 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 आई डोंट विद दैट क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ मेरे घर पे लोग uh, सर की हनुमान चालीसा सुनते हैं अभी मुझे कन्विंस करना पड़ेगा कि आप भी मेरी सुन लो थोड़ी राग जो है राग मैंने इनसे अभी गाड़ी में इनके साथ आ रहा था मैंने पूछ